वेल हेलो गाइस, ये हमारी संडे क्यू एन ए और आज जो है वो सबके आंसर देंगे। आई नो बीच में हम लोग गायब हो चुके थे बट वापस आ चुके हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हैशटैग संडे क्यू एन ए लगा लेना, वापस से क्वेश्चन यहाँ से ही पिक किए जाएंगे। और यहाँ पर भी आदर्श कुमार बोल रहे हैं भाई हैशटैग संडे क्यू एन ए, सर व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ आईफोन 12 मिनी इन होली सेल फ्लिपकार्ट पे। सबसे पहले फ्लिपकार्ट सेल निकालेगा क्या करेगा वो हमें पता नहीं है, बट स्टिल हम लोग जो है वो पास्ट की चीजें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। सो ये जो सेल है वो हमें यहाँ पर ऑफर देगी, बट ये कितना देगी कैसा होगा, बट अभी जो है ये जो है वो अभी अच्छी वैल्यू में आ रहा है ऑफलाइन मार्केट में स्पेशली, और ऑनलाइन मार्केट में भी आ रहा है। यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा ऑफर देना, स्टॉक क्लियरेंस ही करना, वो यहाँ पर समझ में नहीं आता है मुझे। और वैसे भी एक और चीज है जो मुझे बतानी है, यहाँ पर हम लोग जो है वो आईफोन का रिटेलिंग शॉप चालू कर रहे हैं, सो स्टे ट्यून करना है। शॉप तो है वैसे भी, यहाँ पर जो है वो ट्रांजिशन करना है उसमें, उसका यहाँ पर भी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो भी आने वाली है, सो स्टे ट्यून कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो अप्लाई हो चुकी है बट उनको इम्प्लीमेंट और करना है अच्छे से, जिससे जो है वो आप सबको एक अच्छा बेनिफिट मिले और इन फ्यूचर वाइज में हमारा जो है चैनल का ग्रोथ हो जाए और ऐसे मतलब और एक्स्ट्रा स्टफ हम लोग कर सके। उस बहाने लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। अब ये चीज हो जाती है आईफोन 12 मिनी लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा फोन है अभी की सिचुएशन में। अगर आपको बाद में लेना है तो आप वेट करिए, देख लेना होली सेल पे। बट ऑनेस्टली मुझे ये चीजों से फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं लेने जाता हूँ होली की सेल पे, दिवाली की सेल पे। अब ज्यादा बातें हो जाती है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो रजन गौतम है वो यहाँ पर बोल रहे कि भाई हैशटैग संडे क्यू एन ए, सर व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ आईफोन 13 आफ्टर मार्च। मुझे यहाँ पर एक चीज बतानी है कि भाई यहाँ पर जो अभी ऑफर्स है वो इतने अच्छे नहीं आने वाले हैं 13 सीरीज पे। सबसे पहले प्रोडक्शन अभी आया नहीं है, डिले होता जा रहा है, चिप शॉर्टेज है। अब यहाँ पर जो अभी रिटेलर जितना हो सके अपने हिसाब से दे सकते हैं, पुराने स्टॉक्स को क्लियर अप करने के हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पर भी। अगर ये जो है वो नया पैटी पैक पीस होता है जो पुराना नहीं है, सो ऑफर कैसे आएगा, मेड इन इंडिया होता है तो वो चीज तो हो नहीं रही है यहाँ पर अभी। सो आपको वेट करना है आफ्टर मार्च अगर कुछ ऑफर आता है, बट मुझे ऑनेस्टली लगता है यहाँ पर जो है वो अगस्त से पहले यहाँ पर कुछ चीजें आ जाएगी। फिर यहाँ पर जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हैशटैग संडे क्यू एन ए, आई हैव आईफोन 12 प्रो करेंटली, शुड आई अपग्रेड टू आईफोन 13 प्रो और वेट फॉर आईफोन 14। अब देखो सबसे पहले अगर आपका काम है पबजी खेलना, अगर आपका स्ट्रीमिंग काम है, मतलब जो क्रिएटर की कैटेगरी में आता है ऑब्वियसली वैसा कुछ है तो आप कर सकते हो अपग्रेड, वो अच्छा है, 120 हर्ट्ज मिलता है। बट अगर आपका इसका कोई नाता नहीं है इस चीजों से तो मत लो भाई, पैसा वेस्ट मत करो। मैं भी अभी आईफोन SE 2 चला रहा हूँ, बहुत खराब बैटरी है, बहुत सारे रीजन है जो मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ तो वो एसेट जो है वो मुझे अभी इतना जल्दी इनिशियल में रिटर्न बैक नहीं देगा। फिर अगर आपको तो भी करना है तो आप कर सकते हो आईफोन 14 प्रो में, अगर आपको जाना है तो शायद से वो अपग्रेड ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले नया आर्किटेक्चर मिलता है चिपसेट में, और जो 5G का मॉडल है वो भी एफिशिएंट होगा, कैमरास भी बहुत सारे अच्छे होने वाले हैं, नया डिजाइन मिलने वाला है, और हु नोस हमारी वेबसाइट भी तब तक आ जाए शायद से, मतलब सरप्राइज इनटू 100 हो सकता है। बिजनेस बढ़ाना है तो भाई ऐसा करना पड़ता है। और जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पर अभी ESports किदा करके कोई है, हैशटैग संडे क्यूएनए, आईफोन 14 में नॉच आएगा या नहीं, मतलब जो पंच होल है वो मिलेगा कि नहीं। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यहाँ पर अभी नहीं, बट वो कैसे वो बताते हैं। आईफोन 14 एंड 14 प्रो में दो सीरीज होने वाली है, दोनों में दो मॉडल होने वाले हैं, जिसमें आता है आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स। प्रो में जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो ये ऑप्शन में कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आईफोन 13 मिनी, मतलब जो 14 मिनी आने वाला है वो जा चुका है, सो RIP। और अभी मुद्दे पे आते हैं, तो यहाँ पर अभी ये जो आईफोन 14 है वो हमें नॉच देगा। अब यहाँ पर अभी एक और रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया जा रहा है यहाँ पर जो नॉन प्रो है आईफोन 14 मैक्स का वो हमें दे सकता है होल पंच, वो बताया जा रहा था। यहाँ पर जो डिस्प्ले स्वाइप है आईफोन 14 प्रो मैक्स से वो यहाँ पर हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट मुझे नहीं लगता है कि भाई ये चीजों का डिफरेंशिएट होगा। तो देखो अगर आप यहाँ पर नॉन प्रो में एक मॉडल में देते हो, दूसरे मॉडल में नहीं देते हो, तो भाई वो एक तरीके का नाइंसाफी है। वैसे भी ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो शायद से गलत भी हो सकती है इन फ्यूचर वाइज में, जो नॉच है वो आईफोन 14 में पूरा कम्प्लीटली जा सकता है, तो वो चीजें भी हो सकती है। अब जाते हैं फिफ्थ न्यूज पे। ध्रुविल चौधरी बोल रहे हैं यहाँ पर जो मेरा आईफोन 13 है वो हीटिंग इशू दे रहा है वाइल चार्जिंग में, तो सबसे पहले अगर आपने ऑफिशियल चार्जर लिया है तो अच्छा है, अगर आपने नहीं किया तो उससे भी हो सकता है। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है अगर आपने वाईफाई हॉटस्पॉट चालू रखा है और जो नेट है उसे भी चालू रखा है तो ये इशू आ सकता है। तीसरा रीजन ये है कि भाई आपने जो है उसको प्रॉपर वे में चार्ज नहीं किया है, मान के चलो 35% के ऊपर में चार्जिंग कर रहे हो अचानक से, तो फोन जो है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। नॉर्मल सी बातें हैं, मशीन और ह्यूमन बीइंग में फर्क होता है, बट स्टिल अगर आपका ऐसे एक्सटेंसिव वेट कर रहा है
सो आपको एक काम करना है, चार्जिंग में से फोन को निकालना है, जो फोन है उसको 5-6 मिनट ऐसे मतलब कहीं रख देना ठंडे जगहों पे, जहां पर ये जो है वो इतना कूल हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर चार्ज करना। फिर यहाँ पर जाते हैं 6th question पे, ROG 5 वर्सेस iPhone SE 3। लॉन्च नहीं हुआ है, पहले से भाई को कंपैरिजन करना है, बट अगर हैज पर जाते हैं लीक्स के हिसाब से, सो ROG 5 ऑब्वियसली जीतेगा। अगर आप 10R का भी डिजाइन देखते हो तो जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बट स्टिल सॉफ्टवेयर अपडेट कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है लॉन्ग टर्म की रीसेल वैल्यू, जो मतलब डिफाइन करती है उस फोन को, सो समझदार को इशारा काफी है। फिर जाते हैं 7th question पे, जो मुझे बताना है यहाँ पर स्पेशली, क्योंकि मैंने कमेंट्स में आंसर नहीं दिया इस चीज का। अब बेसिकली बात कर रहा हूँ 10th generation iPad पे, जो ये टैबलेट है वो हमें देने वाला है बहुत सारी चीजें जो सटल से चेंज होती है, जैसे कि A15 बायोनिक चिपसेट, A14 भी हो सकता है मे बी, ये बताया जा रहा है, इस पे कोई श्योरिटी है नहीं। और यहाँ पर हमें 5G मिलता है, नए कैमरा सिस्टम मिल सकता है, और 4GB रैम हो सकती है, और उसके हिसाब से जो टैबलेट है वो जस्टिफाइड होता है। बट यहाँ पर ये जो है वो एग्जैक्टली कब आ सकता है वो उस पे श्योरिटी है नहीं। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई, रिस्पॉन्स आया बहुत अच्छा चला, बट उस पे जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए, जो मतलब ये है कि भाई इसका रिलीज डेट है क्या, ये जो है वो एग्जैक्टली आ सकता है सेप्टेम्बर मंथ में। अब ये चीजें जो है वो बताया जा रहा है एनालाइजिंग करके बैकग्राउंड के हिसाब से, बट ये जो है वो मार्च में आता है, तो भाई ऑब्वियसली फर्क नहीं पड़ता है। iPad 4 में ये लोगों ने किया था iPad 3 से, तो वो चीजें भी समझनी है। सो उसके हिसाब से बहुत कुछ हो सकता है, सो स्टे ट्यून करना है। उसके बाद क्या बचता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दुनिया जमाने की चीजें कर दो। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट, पीस।